दोस्तों, अगर आपके पास भी एक सस्ता स्मार्टफोन है और आप अपने स्मार्टफोन से अच्छी फोटोज को क्लिक नहीं कर पाते हो, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसे यूज करने के बाद आप अपने सस्ते फोन के कैमरे से भी DSLR जैसी फोटोज को ले सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है अपने फोन के अंदर, उसके बाद आप अपने नॉर्मल कैमरे से ही अच्छी अच्छी फोटोज को क्लिक कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने सस्ते फोन से ही अच्छी अच्छी फोटोज को क्लिक करना, तो आज का ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखना होगा। कैमरे के ऐसे सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने फोन से कमाल कमाल की फोटोज को क्लिक कर पाएंगे, वो भी DSLR जैसी। तो ऐसा करना चाहते तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को पहले सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप अपना फ़ोन किसी के हाथ में देते हो थोड़े देर के लिए, या आप अपने आपके फ्रेंड ने आपका फ़ोन लिया है, तो उस टाइम पे वो आपके कैमरे को ओपन करके किसी का भी फोटोज़ क्लिक कर सकता है, किसी का भी वीडियो बना सकता है। ऐसे में आप फंस सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर एक सेटिंग को कर लेना है। सेटिंग को करने के लिए सिंपली आप सभी लोगों को मेन सेटिंग के अंदर आना होगा। फोन के मेन सेटिंग के अंदर आते हो, स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलता है अबाउट फोन का ऑप्शन, या तो सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन का एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आपके फोन में डेवलपर की सेटिंग नहीं ऑन है, तो सबसे पहले आप लोगों को बिल नंबर पे 7 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, नाम है क्विक डेवलपर सेटिंग। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक सेंसर ऑफ करके सेटिंग देखने को मिलेगा। अगर ये आपके फोन के अंदर ऑफ है, तो आपको यहां से सबसे पहले इसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ऑन करोगे, आपके नोटिफिकेशन में यहां पे ये ऐड हो जाता है, सेंसर ऑफ वाली सेटिंग यहां पे ऐड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप इसे यहां से अगर आप ऑन कर लेते हो, उसके बाद हम यहां पे फोन के कैमरे को ऑन करते हैं। जैसे ये सेंसर वाली सेटिंग को आप यहां से ऑन कर देते हो, उसके बाद आप अपने फोन के कैमरे को ऑन करोगे, तो आपका फोन का कैमरा ऑन नहीं होगा। यानी कि उसके बाद अगर आपको ऑन करना है, तो सिंपली यहां से इसे ऑफ करना है, उसके बाद फोन के कैमरे को ऑन करना है, आपका कैमरा यहां पे ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगर किसी के हाथ में फोन देते हैं, तो यहां पे ये सेटिंग ऑन करके दे सकते हैं, तो वो आपके फोन के कैमरे को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन के कैमरे को DSLR कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को फ़ोन के कैमरे को ऑन कर लेना है, और यहाँ से फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहीं पे आप लोगों को 3 सेटिंग कर लेना है। 3 सेटिंग करने के बाद आप अपने फ़ोन से DSLR जैसी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। अब जो पहले नंबर का सेटिंग है, वो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाता है, हाई इफ्रेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई फ्रीक्वेंसी पिक्चर। तो आपको इस वाले सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद आप अपने फोन के कैमरे से हाई क्वालिटी की पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो। जो भी आप फोटोज क्लिक करोगे, सारे के सारे फोटोज जो होंगे वो हाई क्वालिटी में क्लिक होंगे। यानी कि फोटो की क्वालिटी देखकर लगेगा कि आपने किसी महंगे फोन से या DSLR से फोटो को क्लिक किया हुआ है। तो आप लोगों को पहले नंबर की सेटिंग के अंदर यह करना होगा। अब दूसरे नंबर की सेटिंग के लिए आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है HDR, ऑटो HDR। इस वाले सेटिंग को भी आपको ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन करने से ये फायदा होगा कि आप जो भी फोटोज क्लिक करोगे वो आपका HDR में रहेगा। यानी कि फोटो को कितना भी आप जूम कर लो, फोटो की क्वालिटी तो जाएगी ही नहीं। HDR का मतलब भी यही होता है कि अगर आप फोटो को HDR में क्लिक कर लेते हो, तो क्या होगा कि आप चाहे जितना फोटो को जूम कर लो, लेकिन फोटो की क्वालिटी जो है वो फटती नहीं है, एकदम HDR में क्लिक होता है। तो यहाँ पे HDR वाले सेटिंग को भी आप लोगों को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि जो आपका फोटो है उसके अंदर वाटरमार्क आए, यानी कि आप वहाँ पे DSLR शो कराना चाहते हो, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ से आपको मॉडल नंबर जो है वो कट कर देना है। अब यहाँ पे मॉडल नंबर कट करके यहाँ पे आपको क्या लिखना है,
DSLR लिख देना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, DSLR लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं DSLR यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने DSLR लिख दिया है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ से अब बैक कर लोगे, अब यहाँ से हम कोई भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने ये फ़ोटो क्लिक किया, अब यहाँ पे हम जाते हैं फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम फ़ोटो को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लिखा हुआ आएगा DSLR, यहाँ पे आप देख सकते हो DSLR लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हैं, हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।